चाहत हुई तेरे नाम। बशर बेटा, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? चलो उठो, कुछ खा पी लो। कब तक अपनी ये हालत बनाए रखोगे? जब तक मैं अपनी जोया के पास नहीं चला जाता। ऐसा ना कहो, तुम्हारी बात सुन के तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। हाँ भी बता दें, क्या कहूं? कुछ ना कहो, बस थोड़ा सा कुछ खा पी लो बेटा। आप जाइए, आपकी बहू है ना आपके पास, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। प्लीज अशर, मेरी बात मान लो। मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी। आप जाएं, मुझे भूख नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी, जब जी चाहे कुछ खा पी लो। अपनी औलाद को इस हालत में देख के भला किस माँ का जी चाहेगा कुछ खाने को? निवाला हलक से कैसे उतरे? अम्मी, मुझे भी भूख नहीं है। मैं नूरी को मना कर देती हूँ खाने। नूरी, नूरी जी, खाना तो नहीं लगाया ना अभी? नहीं जी, बस लगाने जा रही थी। रहने दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अम्मी भी नहीं खाना खा रही, अशर ने भी मना कर दिया और मुझे भी भूख नहीं है। ठीक है जी। अच्छा सुनो जी, तुम खाना खा लो और गुल खान को भी दे देना। ठीक है जी। माशाल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए इस जोड़ी को। कहाँ की तैयारी है बेटा? हमारा आज लंच बाहर करने का मूड है। वेरी गुड, जरूर जाओ बेटा। आप भी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, आप दोनों एंजॉय करो। चले, खुदा हाफिज। गुलखान, ये लो खाने। क्या बात है नूरे, आज बहुत उदास लग रहा है। लगता है तुमने खाना नहीं खाया है। इस घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। हाँ बात ये ऐसी है, काम तो आस्ता आस्ता कम होगा ना नूरे। क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अशर साहब का गम खत्म होता नजर नहीं आता। मुझे सोया बीबी की बातें याद आती है। ठीक कहती थी। क्या कहती थी जोया बीबी नूरे? वो कहती थी कि इस घर के सया सफेद की जिम्मेदार अब बेगम साहिबा।
हाँ नूरे तुम ठीक कहते हैं, बेगम साहबा की पोते की ख्वाहिश ने इस घर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। वो हेरा बीबी ने कहा है कि खाना खा लो। नहीं नूरे, तुम ये खाना वापस ले जाओ, हमारा भी दिल नहीं कर रहा है। जब कोई नहीं कर रहा तो हम कैसे खाएं। बताओ क्या खाओगे? तुम्हें लंच पर मैं लेकर आई हूँ और ये पूछने का हक भी सिर्फ मुझे है। तुम बताओगे तुम क्या खाओगे? हम मियां बीवी हैं, लंच तुम कराओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे हो तुम, लेकिन कभी कभी दूसरे का ख्याल रखने से इस बात का एहसास पैदा होता है कि दूसरा उसे बहुत चाहता है। अच्छा, कब तुम मुझे चाहने लगी हो? मामा कह रही थी कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि खुद ब खुद उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये तो है, और जो तुम्हारा बिहेवियर पहले मेरे साथ है, वो किसका काम था? शैतान का? हाँ शायद ये भी हो सकता है। वैसे अब मुझे इस रिश्ते की समझ आ गई है। जादू कोट। अच्छा जल्दी कुछ ऑर्डर करो, भूखा मारोगे मेहमान को। अच्छा बाबा। वेटर, क्या खा रही हो? तुम बताओ। सर ये ईमेल आई। ये तो लाहौर वाले क्लाइंट ने न्यू ऑर्डर भेजा है। जी सर, इसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है जिसका ऑर्डर अशर साहब खुद देते थे। वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल हम अशर साहब को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप एक दो दिन ठहर जाएं, मैं खुद उनके घर जाकर उनसे बात करूंगा। और वैसे भी तो 2 माह बाद डिलीवरी करनी है ना। राइट सर, लेकिन 2 माह बाद डिलीवरी देने के लिए हमें इसी वीक तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके तो हम डिलीवरी दे सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, मैं बात करता हूँ अशर साहब से। ओके सर। आप ऐसा करें कि बाकी सबको जाने दें, आप और मैं बाद में जाएंगे, कुछ काम करना है। ठीक है? ठीक है सर, जैसा बेहतर समझा। आपको इस वक्त हमारी याद कैसे आ गई? खैरियत तो है? भाई आपको एक गुड न्यूज़ देना थी। अच्छा, जल्दी से बताएं क्या गुड न्यूज़ है। रमशा और फरीद लंच के लिए बाहर गए। लगता है जरूर आपने कोई ख्वाब देख लिया है। यकीन नहीं आ रहा ना, बात ही कुछ ऐसी है कि यकीन आना मुश्किल है। मैंने भी जब उन दोनों को खुशी खुशी कमरे से बाहर आते देखा तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर रमशा ने मुझे खुश होकर बताया कि मामा हम लोग लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। वाकई सबात, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो उनके जाने के फौरन बाद ही 2 नफिल शुक्राने के अदा कर लिए थे। अच्छा किया आपने। अब ऐसा करें कि आज का डिनर रमशा की पसंद का होना चाहिए। कभी मेरी पसंद का भी डिनर पूछ लिया करें कि मुझे क्या पसंद है। आपकी पसंद हम है ना, अपने मुंह तारीफ अच्छी नहीं लगती। मैं आपकी तारीफ की बात नहीं कर रही, मैं अपने पसंद के खाने की बात कर रही हूँ। मैं रोज आपकी पसंद का खाना खाता हूँ। आखिर आप वो बात नहीं करेंगे जो मैं सुनना चाह रही हूँ, है ना? नाराज ना हो, ऐसा करो कि आज के डिनर में स्पाइसी बिरयानी का इजाफा कर दो। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बनवाती हूँ अभी आपके लिए। ठीक है? अच्छा अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कुलसुम। जी बाजी। कुलसुम, आज तुम्हें खाने में एहतमाम करना पड़ेगा। बाजी आज कोई खास मेहमान आ रहे हैं क्या? बस कुलसुम, आज खुशी एंजॉय करने को बहुत दिल चाह रहा है। वैसे भी तुम्हारे साहब का ऑर्डर है कि आज डिनर रमशा की पसंद का होना चाहिए। अच्छा अब मैं समझी, रमशा बीबी और फरीद साहब इकट्ठे बाहर गए हैं ना, इसी खुशी को एंजॉय करना ना। कुलसुम आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रमशा अपने घर की हो गई और हमसे मिलने मैके आ रही है। देखा बाजी, मैंने कहा था ना हमारी रमशा बीबी बहुत अच्छी है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ कुलसुम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। अच्छा कुलसुम, तुम ऐसा करो कि तुम जब खाना बनाना शुरू करो तो मुझे भी बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नहीं बाजी, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप टेंशन ना लें।
भाई मुझे मालूम है कि तुम बहुत अच्छा खाना बना लोगी, लेकिन अगर मैं भी कुछ बना लूंगी तो उसमें हर्ज ही क्या है। और वैसे भी आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि अपने हाथों से रमशा के लिए खाना बनाओ, ठीक है? तो मुझे बुला लेना। ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्जी। चल। अरे रजिया, लाओ तुम अपने कपड़े दे दो, मैं प्रेस कर दूं। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, मैं खुद कर लूंगी। नहीं भाई, लाइट का कोई भरोसा नहीं कब चली जाए, पहले कपड़े दे दो मुझे अपने। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं कपड़े लाती। अच्छा वो रजिया, मुझे पता नहीं क्यों हेरा की बहुत फिक्र हो रही है। अरे तुम बिला वजह की टेंशन है मत लिया करो, अब तो सारा का सारा घर उसका राज कर रही है पूरे घर पे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उसकी सास की तरफ से बहुत फिक्र होती है कि पता नहीं कब वो अपना रंग बदल ले। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, हमारी हीरा बहुत समझदार है, वो मौका मिलते ही ना देखना सब कुछ संभाल लेगी। वो अपना घर वाला क्यों खराब करेगी। मैं कपड़े लाद के देती हूँ तुम्हें, तुम प्रेस कर लो और मैं बर्तन धो लेती हूँ। मैं समझ रही थी कि जोया के होने से अशर कभी मेरा नहीं हो सकता, लेकिन अब पता चल रहा है उसके जाने के बाद अशर मुझसे और भी दूर हो गया। ऐसा लगता है जैसे जोया ने ही मुझे अशर से बांधा हुआ था। अशर के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैं और अशर बाहर जा रहे हैं इस्लामाबाद। एक्चुअली उसे मेरी वहाँ ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे साथ जाना पड़ रहा है। तुम्हारी ज़रूरत? क्या मतलब? जनाब की सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी वहाँ पर। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तो मुझे अशर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो जानती हो अशर के पास मैं जॉब भी कर चुकी हूँ और मैं इस काम को बेहतर तरीके से जानती हूँ। क्योंकि मैं आपके साथ जा रही हूँ। तुम लोगों ने मजाक लगा रखा है, ये कोई मजाक नहीं है। मेरी फ्लाइट को 2 घंटे रह गए, तुम लोग कह रहे हो कि मैं नहीं जा रही, ये क्या मजाक है? जोया बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे साथ। मामा मेरी फ्लाइट को 2 घंटे रह गए, इतनी जल्दी में हीरा को नहीं लेके जा सकता, मुझे टिकट अरेंज करनी पड़ेगी। टिकट है मेरे पास। बाबा के पास लेकर जा रहे, शायद तुम्हें देखकर वो ठीक हो जाए। मेरी कार खोल के सुन लो, हीरा तुम्हारी भाभी होगी, मामा की बहू भी होगी, अगर मेरी बीवी नहीं, मेरी असोए की मजबूरी थी। अब ऐसी कोई मजबूरी बाकी नहीं रही, मैं उसे जोया की जगह कभी नहीं दे सकता।
क्या तुम पागल हो गए हो अशर? ये बात बहुत देर में तुम लोगों को समझ गई। समीरी जोया इस दुनिया में नहीं रही। हेरा को वो मुकाम दिलाना चाहती हूँ जो जोया का था। जोया को वो मुकाम अल्लाह ने दिया था। अब मेरी जोया नहीं रही। मुझे अब और किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। जानती हो ना तुम, हमा ने जोया से नफरत क्यों की? तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या कर दिया अशर जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तुमने क्यों ईशा से मेरी शादी की बात की थी? अब हीरा को भी वही नफरत हो जो जोया को थी। क्या हो गया अशर तुम्हें? मैंने तो तुम्हारे दुख बांटने के लिए तुम्हें फोन किया था, ताकि तुम्हारे जख्म हल्के हो सके। दुख बांटने के लिए या जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? अशर क्या हो गए तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मुझे जोया के दुश्मन अब अपने दुश्मन लगते हैं। अशर, अशर, क्या हो गया इसको? मुझे अपना दुश्मन समझ। चाहत हुई तेरे ना।